हेलो फ्रेंड्स, राजेंद्र क्रिएटिविटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लैपटॉप के डीवीडी राइडर में सीडी स्टक हो जाती है, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल यानी कि राजेंद्र क्रिएटिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, साथ में यदि आपको लगता है कि हमारी वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए अपने बेस्ट सुजेशंस के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जिस ट्रिक से आप किसी भी कंपनी के लैपटॉप में यदि उसके डीवीडी राइडर में सीडी स्टक हुई है तो बड़े ही आसानी से आप वो सीडी बाहर निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, उस ट्रिक को सीखने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आपको सीडी स्टक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए वो चाहिए एक पिन। पिन किसी भी तरह से हो सकती है, बट माइनर सी पतली होनी चाहिए। हमारे पास पिन अवेलेबल नहीं थी तो हमने एक जुगाड़ से ये इस तरह की पिन बनाई है। आप देख रहे हैं इस तरह की पिन, इस पिन से हम जो हम सीडी हमारे लैपटॉप में स्टक हुई है उसमें निकालेंगे। दोस्तों, आपको ये लैपटॉप उल्टा करना, कोई भी लैपटॉप अगर आपके पास है उसको आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद आप देख रहे हो जब भी हम इसको पुश कर रहे हैं तो हमारी सीडी बाहर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, लैपटॉप में तीन ऑप्शंस होते हैं। जो ये पहले वाला ऑप्शंस होता है वो बिल्कुल क्लोज होता है, उसके साथ ये जो बटन होता है इस ये हमें मैनुअल जब हमने सीडी बाहर निकालनी होती है या अंदर करनी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो पुश बटन है हम सीडी को बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, उसके साथ आप देख रहे हो ये जो होल है, ये वाला होल जो बिल्कुल ओपन रहेगा, हमें बेसिकली करना क्या है कि ये जो पिन है इसके अंदर डालनी है कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जो डीवीडी राइडर है वो बाहर आ गया है और हम सीडी बड़े ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ, मैंने ये सीडी अंदर डाल दी है। सीडी अंदर डालने के बाद मैं इसको पुश कर रहा हूँ बट हमारी सीडी बाहर नहीं आ रही है। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ ऐसे ही कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नहीं आ रही है सीडी बाहर। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह की पिन लेनी है। पिन आप लोहे की भी ले सकते हो, जो माइनस सी पिन पड़ी होती है उसको भी यूज़ कर सकते हो, उससे आपके लैपटॉप को कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपली आपको करना क्या है, ये वाले जो होल है कुछ इस तरह से इसको आपने पुश करना है, इस पिन को अंदर की तरफ पुश करना है। जैसे ही आप इसको पुश करोगे, ये देखिए आप, बड़े ही आराम से आपका डीवीडी राइडर बाहर आ जाएगा। आप ये देखिए, ये देखिए आप, अब आप अपने लैपटॉप को सीधा भी कर सकते हो। सीधा करने के बाद आप देखिए जो सीडी है वो बाहर निकाल सकते हो बड़े ही आराम से। ये देख रहे हो, हमने सीडी बाहर निकाल दी है। दोबारा से आप इसको बंद कर सकते हो इस तरह से। फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपनी के लैपटॉप को बड़े ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो। डीवीडी राइडर में यदि किसी भी कंपनी के लैपटॉप के डीवीडी राइडर में सीडी स्टक हुई है तो आप इस ट्रिक से बड़े ही आसानी से सीडी को बाहर निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यदि
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे शेयर जरूर करिए, साथ में मेरे चैनल यानी कि राजेंद्र क्रिएटिविटी जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।